आगे बढ़ेंगे और जो अगली बड़ी खबर है ट्रेंडिंग न्यूज में वो है संत बाबाओं की विवादित टिप्पणी। ये मेरा ज्ञान सबसे महान, इस होड़ में संत एक के बाद एक टिप्पणी कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछले ही दिनों कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर विवादित टिप्पणी दी थी और अब महामंडलेश्वर ब्रह्मर्षि कुमारस्वामी ने दे दिया है विवादित बयान। विवादित बयान जिसमें कह रहे हैं श्री कृष्ण ने 16,000 शादियां की थी, अब ऐसे में चरित्रहीन कौन है, ये सवाल वो कर रहे हैं। सवाल पूछने के साथ साथ वो हर्ट भी कर रहे हैं उन सभी कृष्ण भक्तों को जो करोड़ों की संख्या में देश में इस वक्त हैं। साथ ही साथ मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया है, बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि उज्जैन में संत समाज ने नाराजगी इसको लेकर जताई है। संतों ने ब्रह्मर्षि कुमारस्वामी को पद से हटाने की मांग भी कर दी है। निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं ब्रह्मर्षि कुमारस्वामी, ऐसे में उनका ये बयान मुश्किलें पैदा कर रहा है और इस बयान के बाद में अब उनकी मुश्किलें बढ़ना तय सिर्फ इसलिए नहीं है कि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर के पद से हटाने की मांग है, बल्कि मांग अब अलग अलग तरीके से उठ रही है माफी की भी। भगवान कृष्ण पर विवादित टिप्पणी, ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने भगवान की शादी पर सवाल उठाए। भगवान की 16,000 शादियों पर की विवादित टिप्पणी, भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन कहा, मचा कोहराम। हम जो हिंदू का तब हिंदू नहीं है, हिंदू का मतलब पता क्या है? चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश, लुच्चा, इसका मतलब हिंदू का ये मतलब है। विकिपीडिया में डालो, है किसी का विकिपीडिया? डालो हिंदू का मतलब क्या है, डालो। शर्म भी नहीं आती, तुम बोल कैसे लेते हो, बोलो नेट में डालो। धर्म का क्या मतलब डालो तो सही, धर्म का हिंदू का क्या मतलब डालो तो सही। गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, फिर गर्व से बोलो हम चोर हैं, डाकू हैं, बोलो गर्व से हम चोर हैं, बोलो हम डाकू हैं। जी हाँ, ये ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी हैं, निरंजनी अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं, लाखों श्रद्धालु इनके सत्संग में आते हैं और इनकी बातें सुनते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को लेकर ऐसा कुछ कहा जिस पर देश का संत समाज बेहद नाराज है। दरअसल कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहे हैं, चरित्रहीन कौन है भगवान कृष्ण, एक शादी कर ली, दो कर ली, 15 कर ली, 16 कर लो, बहुत है, कितनी कर ली, 16,000, ये कोई चरित्र है? चरित्रहीन कौन है, है? भगवान कृष्ण कहता मेरे में चरित्र नहीं है, गुण ही नहीं है। अब एक शादी कर ली, दो कर ली, 15 कर ली, 16 कर लो, बहुत है, 16 कितनी कर ली, 16,000, ये चरित्र चरित्र है कोई? किसी भगवान का कोई चरित्र है? और बच्चे कितने कर लिए, 1,00,000 साल, ये चरित्र 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 बन करेगा है? कोई कर सकता है 16,000 शादी? 16,000 से 100-100 बच्चे पैदा कर सकता है? और काम वासना बिल्कुल ही नहीं है, किसी भगवान ने काम वासना बिल्कुल नहीं है। 16,000 रनों से रोज भोग करते थे और 1,00,000 कितने बच्चे, 60,000, और कभी भोग नहीं किया उन्होंने। वीडियो में कुमार स्वामी भगवान श्री कृष्ण की शादियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां तो थीं, लेकिन श्री कृष्ण ने उनसे कभी भी विवाह नहीं किया था। कुछ पौराणिक कहानियों के अनुसार समाज में बहिष्कृत होने के डर से इन कन्याओं ने कृष्ण को अपना पति मान लिया था, ये बात हर सनातनी और हिंदू को पता है। ताज्जुब ये है कि ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी को इस बात का अंदाजा नहीं है। अब कुमार स्वामी की विवादित टिप्पणी के बाद संत समाज उनसे माफी मांगने की बात कह रहा है और उनके खिलाफ मोर्चा खड़े करने की तैयारी में है। हमारे कान्हा के ऊपर चरित्रहीन जैसा टिप्पणी किया, 16,000 रानियों के बारे में बात करते हैं, तो मैं कहती हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से कि आप जब चरित्रहीन भगवान श्री कृष्ण को कहते हो तो कुमार स्वामी आप कितने बड़े चरित्रहीन हैं, ये आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि आपकी चरित्रहीनता कितनी गंदी और कितनी नीच चरित्रहीनता है। कुमार स्वामी का विवादित बयान वाला वीडियो सामने आने के बाद उज्जैन के संत महामंडलेश्वर सुमनानंद ने भी अपनी बात रखते हुए कहा,
ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी 25 से 30 साल से धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वो निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और भगवान कृष्ण को चरित्रहीन कह रहे हैं। महामंडलेश्वर सुमनानंद ने साथ ही ये भी कहा कि मैंने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि चारों कुंभ में इनका आना निषेध करें, इनकी महामंडलेश्वरी खत्म करनी चाहिए। वहीं विवाद होने के बाद कुमार स्वामी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। विवाद को बढ़ता देख ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने सफाई दी कि उनके वीडियो के साथ छेड़खानी कर उसे वायरल किया गया है। उन्होंने कहा कि वायरल हो रहे वीडियो में जरा भी सच्चाई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।